know what are the basic differences between adjectives and determiners. So before talking about differences, we shall talk about the similarities between adjectives and determiners. So similarity बस ये है कि दोनों ही noun को qualify करने का काम करेंगे. लेकिन अगर differences की बात करें तो difference number one, adjectives को आप noun के पहले भी use कर सकते हो, noun के बाद भी use कर सकते हो. लेकिन अगर बात करेंगे determiners की तो उन्हें आप सिर्फ और सिर्फ noun के पहले use कर सकते हैं. Difference number two, तो एडजेक्टिव की कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज होती हैं, लेकिन डिटरमाइनर्स के साथ ऐसा कोई केस नहीं है. इनकी कोई भी कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री नहीं होती है. डिफरेंस नंबर थ्री, एडजेक्टिव्स को अगर आप सेंटेंस में से निकाल दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी जो सेंटेंस है आपका ग्रामेटिकली करेक्ट रहेगा. लेकिन अगर डिटरमाइनर्स को आपने सेंटेंस में से हटाया तो फिर सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा. डिफरेंस नंबर फोर, तो एक नाउन के एक से ज्यादा एडजेक्टिव हो सकते हैं, लेकिन कभी भी एक से ज्यादा डिटरमाइनर नहीं होंगे. डिफरेंस नंबर फाइव ये कहता है कि एक लैंग्वेज में ढेर सारे एडजेक्टिव्स होते हैं, वैरायटी ऑफ एडजेक्टिव्स होते हैं, लेकिन डिटरमाइनर्स की बात करेंगे तो वो बहुत लिमिटेड हैं. और ज्यादा एक्सप्लेनेशन के लिए रीड द कैप्शन. ऐसे ढेर सारे कंटेंट के लिए की फॉलोइंग एग्जाम्स.